हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। जैसा कि आप लोगों को पता है, डेली सुबह 10 बजे अपनी क्लास होती है। सीरीज का नाम ही है लेट्स क्रैक साइंस, मतलब साइंस की जो समस्या है वो आप लोगों की हमेशा के लिए दूर हो जाएगी अगर आप लोग डेली इन क्लासेज को फॉलो कर रहे हैं, अच्छे से सारी क्लासेज को देख रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है दोस्तों, हर क्लास की पीडीएफ आप लोगों को क्लास के बाद में मैं टेलीग्राम चैनल साइंस बाय नीरज सर पर डाल ही देता हूं, तो यहां पर आप लोगों को मिल जाएगी। और दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज है ना, बच्चे बोलते सर शाम को 4 बजे तो डालो, तो आज शाम को 4 बजे प्रोजेक्टाइल मोशन यानी प्रक्षेप्य गति के बहुत शानदार प्रश्न करवाऊंगा। इसके माध्यम से आपका पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम में दोस्तों इससे क्वेश्चन आता ही आता है, तो शाम को 4 बजे आज हम लोग ये करेंगे। ठीक है दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आप सभी को। चलिए दोस्तों सेशन को स्टार्ट करें, जल्दी से सभी थम्स अप कर दीजिए, सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन, ये बताओ। ठीक है, बताओ। चलिए आपको बोला जा रहा है कोई तत्व है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। कोई बता सकता है ये कौन से तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? देखो दोस्तों, इसकी पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है दोस्तों, दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? सर 2 यहां पर है, 6 यहां पर है, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। दोस्तों क्या मुझे बता सकते हो इसकी तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? सर 2 यहां पर है, 3 यहां पर है, यानी 5 इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8 और 2 10, प्लस 5 15। और दोस्तों किसके एटम में 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं? किसका परमाणु क्रमांक 15 है? सर फॉस्फोरस का। यानी ये जो तत्व है ना, ये किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है आप लोगों को? फॉस्फोरस का दिया गया है। ठीक है, अब आप लोगों को बोला जा रहा है उस तत्व का परमाणु क्रमांक क्या है जो आवर्त सारणी में उपरोक्त तत्व के ठीक नीचे है। मतलब आपको उस वाले का एटॉमिक नंबर बताना है जो फास्फोरस के जस्ट नीचे हो। कितना शानदार क्वेश्चन है यार। ठीक है, आइए देखो कैसे करें इन क्वेश्चन को सॉल्व। देखो ये रही हमारी पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी, यहां पर होता है आपका हाइड्रोजन, यहां पर होता है हीलियम, यहां पर लिथियम, यहां पर बेरिलियम, यहां पर बोरोन, यहां पर कार्बन, यहां पर नाइट्रोजन, यहां पर ऑक्सीजन, यहां पर फ्लोरीन, यहां पर नियोन। ठीक है, आपको पता है नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार, जानते हो या नहीं जानते? जानते हो ना। अब आप लोगों को फॉस्फोरस का तो पता है, अब आपसे पूछा जा रहा है जस्ट इसके नीचे वाले का, इसके नीचे वाले का सर कैसे निकाले? देखो कुछ भी नहीं करना आप लोगों को, पहले मुझे बताओ पहले आवर्त में कुल तत्व कितने होते हैं? बताओ 2 होते हैं। दूसरे आवर्त में, यहां पर देखो आप लोग, है ना, मैंने पीरियोडिक टेबल लगा रखी है, पहले आवर्त में कुल तत्व कितने होते हैं? 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8 होते हैं। ठीक है, अब जैसे समझो अगर मैं आप लोगों से बोलता ऑक्सीजन से जस्ट नीचे वाले का क्या होगा परमाणु क्रमांक? ऑक्सीजन का 8 है, आपको पता है इसमें कितने हैं? 8 है, तो इसमें 8 जोड़ दोगे तो आप लोग यहां पर पहुंच जाओगे। समझ में आ गया? सिमिलरली दोस्तों जो फास्फोरस है इसके नीचे वाले का पूछा गया है, दोस्तों इस वाले आवर्त में टोटल 18 आपके तत्व है, 18 है, तो यहां से अगर आप लोगों को इसके नीचे आना है तो 18 जोड़ना पड़ेगा ना, तो 15 में 18 जोड़ लो, 33 आंसर आ जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब चाहे आप लोगों को याद हो या ना हो, आप लोग सिंपली कर सकते थे। ठीक है दोस्तों, चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, आंसर बताइए, बताओ। क्वेश्चन में बोला जा रहा है तोप से दागा गया गोला, भैया एक तोप है, चलो यार ये हम लोग मान लेते हैं ये कोई तोप है, इससे दोस्तों आपने कोई गोला दागा और दोस्तों ये गोला गया 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 ऐसे गया। ठीक है, ठीक है, तो आप लोगों से ये बोला गया है कि 10 किलोमीटर की क्षैतिज दूरी तय कर सकता है। ठीक है, अधिकतम यानी इसकी मैक्सिमम रेंज केवल कितनी हो सकती है? 10 किलोमीटर, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकती। इसका मतलब ये एंगल कितना होगा?
इसका मतलब ये एंगल कितना होगा, आपको पता है प्रोजेक्टाइल मोशन में प्रक्षेप्य गति में कोई भी चीज आप लोग फेंकते हो और आप लोग चाहते हो रेंज मैक्सिमम आए, परास अधिकतम आए, तो दोस्तों ये जो एंगल है जो भी चीज फेंक रहे हो उसका प्रारंभ में कुछ वेग होगा, ये गोला निकला होगा तो उसका कुछ ना कुछ वेग होगा, 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, मुझे नहीं पता, तो इस वेग को हम लोग यू मान लेते हैं। दोस्तों ये जिस दिशा में जा रहा है प्रारंभ में एक जमीन से कुछ एंगल बना रहा होगा, उस एंगल को थीटा मान लिया, और अगर ये मैक्सिमम है तो ये एंगल कितना होना चाहिए आपको पता है ना सर, ये एंगल होना चाहिए 45 डिग्री, ठीक है। तो आपको मुझे बताना ये वेग कितना था, किस वेग से प्रक्षेपित किया, ये आप लोगों को वेग का मान बताना है, यू का मान बताना है, कैसे निकाले। देखो दोस्तों क्या आप लोगों को रेंज का फॉर्मूला पता है परास का, बिल्कुल सर रेंज का फॉर्मूला पता है, रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2θ / g, ठीक है। आपको पता है अगर रेंज मैक्सिमम बोला गया है इसका मतलब ये एंगल 100% 45 होगा, ठीक है। तो थीटा का मान 45, 2θ का मान 90, साइन 90 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा, तो यू स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा आर इंटू जी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यू स्क्वायर, आर का मान कितना है, रेंज कितनी दी गई है 10 किलोमीटर, या मैं बोल सकता हूं 10,000 मीटर, 10,000 मीटर, क्लियर है क्या, समझ में आ गया। गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है सर, 9.8 होता है, या इसको मैं 98/10 लिख दू क्या, बिल्कुल लिख दो, 1 0 से 1 0 कट गया, तो U स्क्वायर का मान आ गया आपका 98,000, तो U का मान कितना आ जाएगा अंडर रूट 98,000, क्या कोई ऑप्शन में दे रखा है क्या, बिल्कुल दे रखा है, समझ में आया। अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन बढ़िया था या नहीं था, देखो आप लोगों से आंसर जो पूछा गया है वो मीटर पर सेकंड में पूछा गया है, और मीटर पर सेकंड क्या होता है, ऐसा ही मात्रक होता है, तो आप लोग सारे मान ऐसा ही मात्रक में रखो, इसीलिए मैंने रेंज को किलोमीटर में नहीं रखकर मीटर में रखा है, क्योंकि जो दूरी होती है, जो परास होती है, लंबाई होता है, उसका ऐसा ही मात्रक मीटर होता है, ठीक है। कितना बेहतरीन क्वेश्चन था दोस्तों, ये बढ़िया क्वेश्चन था, चले आगे, मजा आ गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताएंगे, बताओ क्वेश्चन में बोला जा रहा है अगर आप लोगों के मूत्र में आरबीसी आ जाए, सर आरबीसी तो हमारे ब्लड में पाया जाता है, हाँ तो एक्चुअली क्या होता है, ब्लड जो होता है ना वो आपकी किडनी के पास में जाता है, तो किडनी क्या होती है, ब्लड में जो भी इंप्योरिटीज होती है, जो भी एक्स्ट्रा पानी होता है, जो भी गंदगी होती है उसको निकाल लेती है, लेकिन मान लो आपकी किडनी पागल हो गई, ढंग से काम नहीं कर रही, उसने आपके ब्लड में जो आरबीसी है ना उसी को निकाल लिया, तो बेसिकली मूत्र में आप लोगों को आरबीसी भी मिलेगा, तो इस कंडीशन को क्या बोलता है, कई बार आपने देखा होगा ना किसी के यूरिन में मूत्र आ जाता है, तो इस वाली कंडीशन को क्या बोलोगे, आपके यूरिन में ब्लड आना या आपके यूरिन में आरबीसी की प्रेजेंस को क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको आप लोग बोलते हैं हेमेटूरिया, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी के बारे में भी समझते हैं, बाकी क्या है, कोई मुझे बताएगा यूरोथियासिस क्या होता है, कोई मुझे बताएगा यूरोथियासिस क्या होता है, दोस्तों जो किडनी में स्टोन बनता है ना, अरे किडनी में जो पथरी बनती है ना उसी को हम लोग यूरोथियासिस के नाम से भी जानते हैं, तो किडनी स्टोन का ही दूसरा नाम है, किडनी स्टोन का ही दूसरा नाम है। सर ये प्रोटीनूरिया क्या होता है, अगर आपके यूरिन में प्रोटीन आ जाए, अगर आपके यूरिन में प्रोटीन आ जाए, यार प्रोटीन हमारी बॉडी में होना चाहिए था, किडनी आपकी पागल हो गई, ब्लड में से प्रोटीन को ही निकाल रही है, तो इस कंडीशन को बोलेंगे प्रोटीनूरिया। दोस्तों ये एल्केप्टोनूरिया क्या होता है, एक्चुअली में जो हम लोग प्रोटीन खाते हैं वो किससे मिलकर बना होता है, अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है, कितने अमीनो अम्ल से, 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है, तो दोस्तों उसमें से 2 अमीनो अम्ल है टायरोसिन और 1 होता है आप लोगों का फिनेलमिन, ठीक है। तो अगर आपकी बॉडी इन दोनों अमीनो अम्ल को तोड़ नहीं पाती है तो आपकी बॉडी में क्या बनता है, एक सब्सटेंस बनता है, ठीक है, जिसका नाम है होमोजेनेस्टिक एसिड। तो अगर ये आपकी बॉडी में होता है तो इसी कंडीशन को आप लोग बोलते हैं एल्केप्टोनूरिया, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम दृष्टि से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों के पूछे गए हैं इस बार रेलवे में, आपको पता है रिफ्रैक्शन अपवर्तन से, बताओ कैसे करें इस क्वेश्चन को सॉल्व, बहुत आसान क्वेश्चन है,
क्या बोला जा रहा है? आपको बोला जा रहा है वायु में प्रकाश का वेग आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है सर, अगर दिया नहीं जाता तो हमको तब भी पता होता कि वायु में इतना होता है। ठीक है, आपको बोला जा रहा है जल का अपवर्तनांक दे दिया। सर अगर ये देते नहीं ना तब भी मुझे तो पता था कि जल का 1.33 होता है, कांच का 1.5 होता है, डायमंड का, हीरे का 2.42 होता है। चलो सारे ही दे दिए। अब बोला जा रहा है प्रकाश द्वारा पानी में 500 मीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय बताओ। दोस्तों आपको कोई दूरी तय करने में कितना समय लगेगा ये कैसे आप लोग पता कर पाओगे? जब आप लोगों को आपकी स्पीड पता होगी, जब आप लोगों को आपकी चाल पता होगी। तो सिंपली आप लोगों को क्या करना है, पहले पानी में प्रकाश की चाल क्या है, लाइट की स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, वो निकाल लो। सर ये कैसे निकाले? इसके लिए एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला होता है आप लोगों का म्यू इज इक्वल्स टू सी बाय वी। ठीक है, यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, v इज इक्वल्स टू c बाय म्यू। देखो c क्या होता है आप लोगों का, लाइट की स्पीड किसमें, एयर में। कितनी दी हुई है आप लोगों को, 3 × 10⁸। ठीक है, म्यू क्या है आप लोगों का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक। अगर आप लोग पानी का अपवर्तनांक रखोगे तो पानी में प्रकाश की चाल क्या है वो आ जाएगा। अगर आप लोग कांच का अपवर्तनांक रखोगे तो कांच में प्रकाश की चाल क्या होती है वो आ जाएगी। हम लोगों को दोस्तों पानी में देखना है ना, तो पानी का अपवर्तनांक रखो, कितना है 1.33। इसको मैं 4/3 लिख दूं, लिख दो सर 4/3 लिख दो। ठीक है, तो कुल मिला के पानी में, वाटर में जो प्रकाश की चाल होगी या वेग होगा वो कितना हो जाएगा, 9/4 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है दोस्तों, वेलोसिटी बोल दो या स्पीड बोल दो, बात बराबर है। आप लोगों को बताया स्पीड होता है आप लोगों का डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम आप लोगों को निकालना है, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है 500 मीटर। स्पीड कितनी है आप लोगों की, इतनी है सर 9 × 10⁸, और ये 4 आपको ऊपर चल जाएगा। ठीक है, तो आपका टाइम जो होगा ना वो इतना आ जाएगा। अब सॉल्व कर लो दोस्तों, सॉल्व ही तो करना है, क्या करना है इसमें, 5 × 4 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो ऊपर हो गया 2000, नीचे हो गया 9 × 10⁸। समझ में आ गया, क्लियर दोस्तों? इसको मैं से लिख सकता हूं क्या, 20/9। ये दोस्तों 2 0, ये 10⁸ है, ऊपर ये 2 0 है, तो नीचे कुल मिला के 10⁶ बन गया। तो 20/9, नीचे 10⁶ था, ऊपर जाके क्या बन जाएगा 10⁻¹। ठीक है, 20/9 क्या होता है 2.22, तो 2.22, और 10⁻¹ को क्या बोलते हैं, माइक्रो बोलते हैं। तो कुल मिला के इतना सेकंड आप लोगों का आंसर आ जाएगा। दोस्तों बढ़िया क्वेश्चन था या नहीं था बताओ, सिंपल है, कहीं कोई दिक्कत कहीं कोई परेशानी, आराम से बना पा रहे हो, आपको आता सब कुछ है। क्या आप लोगों को यह चीज नहीं आती थी क्या? सर आती थी, बहुत बार पढ़ी है, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है कि पानी में इतनी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। कॉमन सेंस वाली बात है, हम लोगों को पहले स्पीड पता होना चाहिए और फिर हम लोग इजीली टाइम निकाल पाएंगे। दोस्तों प्लीज लाइक करके बता दीजिए समझ में आ रहा है, और कमेंट में भी आप लोग यस कर दीजिए, जी सर समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बताएंगे, बताओ। दोस्तों आपके सामने मान लो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, ठीक है, आप उसकी इमेज देखना चाहते हो किसी मिरर में, और पूर्ण ऊंचाई वाला प्रतिबिंब देखना चाहते हो, मतलब उस मिरर में उसकी पूरी की पूरी इमेज आ जाए, तो आप लोग कौन सा दर्पण का इस्तेमाल करके ये कार्य कर सकते हो, आप लोगों से एग्जाम क्वेश्चन में ये पूछा गया है, बताओ बताओ। एक दूर का ऊंचा भवन है, दूर का ऊंचा भवन है दोस्तों, एक्चुअली इसमें क्वेश्चन में एक थोड़ा ऑप्शन में गड़बड़ है, पर अगले पे चलते हैं, इसको बाद में कर लेंगे ना, पहले इसको कर लेते हैं, पहले इस क्वेश्चन को कर लो। ठीक है, इसमें आई थिंक करेक्शन थोड़ा करा नहीं मैंने, चलो पहले ये कर लेते हैं फिर कर लेंगे वो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों को पता है भर भर के क्वेश्चन आते हैं रेलवे में, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस से भर भर के क्वेश्चन आते हैं यार। सर मुझे नहीं आता ये, मैंने अलग से एक वीडियो भी डाल रखा है साइंस मैग्नेट यूट्यूब चैनल पर, मोनो हाइब्रिड क्रॉस एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस, आपने देखा है? नहीं देखा कोई बात नहीं, इधर समझते हैं। देखो क्या बोला जा रहा है, मटर में शुद्ध लंबा पौधा, एक शुद्ध लंबा पौधा दिया गया है कैपिटल टी कैपिटल टी, इसका छोटे पौधे स्मॉल टी से आप लोगों ने संकरण करवाया, क्रॉस करवाया,
F2 में शुद्ध लंबे पौधे और छोटे पौधों का अनुपात क्या है, क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा है। F2 का मतलब दूसरी जनरेशन, ठीक है। चलो दोस्तों पहले F1 में देखते हैं पहली जनरेशन में क्या होगा, पहले ये देखते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे करो आप लोग, देखो ये दो टी है ना, एक टी इधर लिख दो, एक टी इधर लिख दो, इधर दो स्मॉल टी है, एक इधर लिख दो, एक इधर लिख दो, ठीक है। अब आप लोग देखो, ठीक है, अब इसको और इसको मिलाओगे तो क्या बनेगा, जरा मुझे बताइए। कैपिटल टी स्मॉल टी को मिलाओगे तो सर कैपिटल टी बनेगा, स्मॉल टी बनेगा। दोस्तों कैपिटल टी स्मॉल टी को मिलाओगे तो क्या बनेगा, सर कैपिटल टी बनेगा, स्मॉल टी बनेगा। दोस्तों कैपिटल टी स्मॉल टी को मिलाओगे तो क्या बनेगा, सर कैपिटल टी बनेगा, स्मॉल टी बनेगा। कैपिटल टी स्मॉल टी को मिलाओगे तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। दोस्तों कैपिटल टी जो है ना वो किसको डिनोट कर रहा है, टॉल पौधे को, लंबे पौधे को, ऊंचे पौधे को, जबकि स्मॉल टी किसको डिनोट कर रहा है, ड्वार्फ यानी बौने पौधे को। आप लोग मुझे बता पाएंगे क्या इनमें से डोमिनेंट कौन है, इनमें से डोमिनेंट कौन है। कुल मिला के मैं ये बोलना चाह रहा हूं, एक लंबे मटर का पौधा और एक है छोटा मटर का पौधा, दोनों में से दोनों को क्रॉस करवाओगे तो जो बच्चा बनेगा, जो नया मटर का पौधा बनेगा, वो लंबा होगा या छोटा होगा। आप लोगों को पता है इनमें से डोमिनेंट क्या है, टॉल डोमिनेंट है। तो यहां से अगर मैं बात करूं ये पौधा कैसा होगा, सर ये लंबा पौधा होगा, ये भी लंबा पौधा होगा, ये भी लंबा पौधा होगा, ये भी लंबा पौधा होगा। लेकिन दोस्तों पहली पीढ़ी में पूछ नहीं रहा, ये तो दूसरी पीढ़ी में पूछ रहा है। चलो सर दूसरी पीढ़ी में पूछ रहा है, यहां से कोई दो पौधे ले लेता है, ठीक है, ये दो पौधे ले लो आप लोग, ठीक है। तो दो पौधे ले लिया, एक ये ले लिया और एक ये ले लिया, तो इसको ऐसे लिख दो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको भी ऐसे लिख दो कैपिटल टी स्मॉल टी। समझ में आ गया, समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब आप लोग मुझे बताओ कैपिटल टी मिलके क्या बनाएगा, सर कैपिटल टी बनाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी कैपिटल टी, है ना, कैसे भी लिख लो इसको, एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है, और यहां पर क्या है, दोनों स्मॉल टी है। दोस्तों आप लोग मुझे बताएंगे ये पौधा कैसा है, लंबा है या बौना है, ये पौधा बताओ, ये बताओ। सर आप ही ने तो बताया कैपिटल टी टॉल को, लंबे को रिप्रेजेंट करता है, सर ये पौधा क्या है, लंबा है, लंबा है। अब मुझे बताओ ये वाला पौधा कैसा है, सर इसमें कैपिटल टी भी है स्मॉल टी भी है, तो सर लंबा है या बोना है, मैं कंफ्यूज हो रहा हूं। दोस्तों जब भी दोनों हो तो इनमें से डोमिनेंट कौन है, लंबा, तो यानी ये पौधा क्या होगा, लंबा होगा। दोस्तों ये पौधा कैसा होगा, लंबा होगा, ये पौधा कैसा होगा, सर इसमें तो दोनों ही क्या है, ड्वार्फ है। अगर एक कैपिटल टी होता तो मैं बोलता कि लंबा वाला डोमिनेंट है, यहां तो दोनों ही बौने हैं, तो ये पौधा कैसा होगा, बौना होगा, ठीक है। अब आप लोगों से बोला जा रहा है शुद्ध लंबा पौधा, दोस्तों पौधा तो ये भी लंबा है, ये भी लंबा है, ये भी लंबा है, लेकिन इनमें से शुद्ध कौन सा है, शुद्ध लंबे का मतलब है जिसमें दोनों कैपिटल टी हो, तो दोनों कैपिटल टी, समझ रहे हो, तो शुद्ध लंबा पौधा ये है। तो शुद्ध लंबा पौधा कितना बना, एक मिला। छोटे पौधे कितने बने, छोटे पौधे, छोटे पौधे बताओ, छोटे पौधे बौने पौधे, एक ही मिला, तो एक अनुपात एक, ये रेशो हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था या नहीं था, बढ़िया क्वेश्चन था या नहीं था। अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता कि लंबे पौधे और बौने पौधे का अनुपात बताओ, अगर क्वेश्चन में आप लोगों से यह पूछा जाता लंबे पौधे और बौने पौधे का अनुपात बताओ, तो ये भी लंबा, ये भी लंबा, ये भी लंबा, तो तीन तो आपको मिल रहा है लंबे, एक मिल रहा है बोना, तब आंसर आप लोगों का ये होता। बढ़िया क्वेश्चन था ना, गलती ना हो, इसीलिए मैंने आपको ये वाली चीज भी बता दी और ये वाली चीज भी बता दी। दोस्तों बताइए मजा आ गया नहीं आया, आ गया, चलिए कोई बात नहीं। सर अब आप लोग बोलेंगे सर मुझे क्वेश्चन टफ लगते हैं, दोस्तों टफ सबको लगता है, कोई ऐसा व्यक्ति बता दीजिए जिसको टफ नहीं लगता हो, लेकिन वो सब छोड़ के चले जाते हैं, टीचर भी उनको नहीं करवाते हैं, बोल कौन करवाएंगे, बच्चे को समझ में तो आएगा नहीं, लेकिन हमको कुछ भी नहीं छोड़ना है, फिर हम लोग एक स्टेप आगे कैसे बढ़ेंगे। भैया सारे अगर इस लाइन पे है, मान लो सारे इस लाइन पे है, कोई टफ चीज अगर आप लोग पढ़ोगे तभी तो एक स्टेप ऊपर जाओगे, अगर आप छोड़ दोगे तो नीचे ही आ रहे हो, वहां पर भी नहीं रह पा रहे यार, क्लियर। चलिए इसका आंसर बताएंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताओ।
उमाकांता मिश्रा जी सर फिर से अरे क्वेश्चन को बार बार रिपीट करता रहूंगा तो क्वेश्चन ज्यादा कहां से कर पाओगे आप, बाद में देख लिया करो। ठीक है दोस्तों, प्रक्षेप्य की अधिकतम क्षैतिज परास 980 मीटर है। चलो दोस्तों ये मान लेते हैं जमीन, कुछ भी मान लेते हैं, फुटबॉल मान लो, फुटबॉल थी, आपने किक मारी, उसको किक मारी, इसको कुछ वेग मिला होगा 10 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, 100 मीटर पर सेकंड, कोई ना कोई तो वेग मिला होगा, वेग का मान मान लेते हैं यू। बोला जा रहा है कि दोस्तों इसकी जो अधिकतम क्षैतिज परास है, मैक्सिमम जो रेंज है वो कितनी है, 980 मीटर है। ठीक है दोस्तों मुझे एक चीज बताइए, अगर ये रेंज मैक्सिमम है इसका मतलब जरूर आपने ये कितने एंगल पे मारी होगी, ये जो फुटबॉल गई होगी या कोई भी चीज गई होगी वो जमीन से कितने एंगल पे होगी, 45 डिग्री पर होता है तभी आप लोगों को रेंज मैक्सिमम मिलती है। अगर आप लोग 45 से कम लो या 45 से ज्यादा लो तो आपको रेंज दोस्तों कम ही मिलेगी, ध्यान रखना, मैक्सिमम आपको कम मिलेगी 45 डिग्री पे ही मिलेगी। चलो ठीक है सर, अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया है ध्यान से आप लोग समझो, आप लोगों से इसका प्रारंभिक वेग पूछा गया है, यानी यू का मान बताओ कितना था भैया, 10 मीटर पर सेकंड था, 1000 मीटर पर सेकंड था, कितना था, और आपको यह भी बतानी है कि इसकी अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी। जैसे जमीन, फुटबॉल कैसे जा रही है दोस्तों, फुटबॉल कैसे जा रही है, पहले इधर थी, 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 तो जमीन से मैक्सिमम कितनी हाइट पे थी, ये वाला मान भी आपको निकालना है। बताओ कितना अच्छा क्वेश्चन है, बताओ। सर जी साइंस में 24/25 आए, आपकी वजह से आपसे मिलना चाहता हूं, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं वेद प्रकाश जी, जल्दी मिलेंगे, टेंशन ना लीजिए। कैसे करें इस क्वेश्चन को सॉल्व दोस्तों, घबरा क्यों रहे हो, बहुत आसान क्वेश्चन है सर। कैसे है आसान, आप मुझे बताओ रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, परास का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज का फॉर्मूला होता है सर यू स्क्वायर साइन 2θ/g, और अगर यह रेंज मैक्सिमम है तो इसका मतलब थीटा का मान 45 है, 45 दूनी 2, 90 है, साइन 90 का मान 1, तो इसको तो आप लोग हटा दो, रेंज का मान कितना दिया गया है 980, तो 980 बराबर यू स्क्वायर बाय जी, क्लियर है क्या। यहां से यू स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, यू स्क्वायर का मान आ जाएगा 980 गुना स्मॉल जी। गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है 9.8, इसको क्या मैं 98/10 लिख सकता हूं क्या, लिख दो, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो यू स्क्वायर का मान अगर 98 × 98 आया, यू का मान कितना आ गया 98 मीटर पर सेकंड आ गया, क्या आ गया, क्या आ गया, क्या ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता सर। अब मैक्सिमम हाइट भी तो निकालनी है, मैक्सिमम हाइट क्या होती है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, ये होता है अधिकतम ऊंचाई का फॉर्मूला। ठीक है बताओ क्या होगा, तो आप लोग सिंपली देखो u स्क्वायर बाय g का मान आपको दे रखा है क्या, हाँ सर u स्क्वायर बाय g का मान है 980, ठीक है 980, नीचे आपका 2 है ही दोस्तों, थीटा का मान कितना है 45, साइन 45 क्या होता है 1/√2, उसका स्क्वायर करोगे क्या बन जाएगा 1/2, तो 980/4, 980/4 कितना होता है, अगर बताओ जल्दी से बताओ, बताओ 490 होगा ना, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है बहुत से लोग गलती क्या करेंगे, वो ऑप्शन नंबर ए कर देंगे, क्योंकि वो इसका मान एक मान लेंगे, इसका मान एक मान लेंगे, नहीं दोस्तों ये साइन 2θ नहीं, साइन स्क्वायर थीटा है, थीटा का मान 45 है, साइन 45 होता है, 1/√2 का स्क्वायर करोगे 1/2 मिलेगा आपको, ध्यान रखना। ठीक है बहुत जने गलती करेंगे, ऑप्शन नंबर ए पे टिक कर देंगे वो, जबकि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों, बेहतरीन क्वेश्चन है, चले आगे चले। ठीक है सर मुझे एक चीज बताओ, प्रोजेक्टाइल मोशन में बहुत दिक्कत होती है प्रक्षेप्य गति में, कुछ करो ना इसका। दोस्तों आज आपको शाम को 4 बजे मैं आप लोगों को पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन एक क्लास में करा दूंगा, इतने प्यारे क्वेश्चन करवाऊंगा आप लोगों को, एक बार में सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे, अच्छा सॉरी 980/4, हाँ 245 होगा, सॉरी आई एम रियली सॉरी, ऑप्शन नंबर ए होगा 980/4, हाँ 245, बहुत बच्चे डी करेंगे क्योंकि वो सिंपली क्या कर रहे हैं, इसको आप लोगों का वन मान रहे हैं। ठीक है तो वही गलती मैंने कर दी जो मैं आपको बताना जा रहा था, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सॉरी। चलिए बताइए इसका आंसर, हाँ आप लोगों को एक रिएक्शन दी गई है, क्या दी गई है, आपने अमोनिया की रिएक्शन करवाई आप लोगों ने ऑक्सीजन से, तो ये आप लोगों को मिल रहा है एक नाइट्रोजन का ऑक्साइड और साथ में मिल रहा है वाटर,
आपको बोला जा रहा है किस प्रकार की रिएक्शन है, बताओ, सोचो, दिमाग लगाओ। दोस्तों यहां पर देखो, दो रिएक्टेंट है, दो अभिकारक है, आपको दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, दो उत्पाद मिल रहे हैं। अगर दो या दो से ज्यादा अभिकारक मिलके एक प्रोडक्ट बनाते, एक उत्पाद बनाते, तो मैं इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलता, संयोजन अभिक्रिया बोलता। इसका मतलब ये संयोजन अभिक्रिया तो नहीं है। तो जिस भी ऑप्शन में टू को वो बोल रहा है टू सही होगा, इसको हटा दो, इसको हटा दो, ठीक है, बिल्कुल सर सही बात है। दोस्तों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। सर अम्ल और क्षार की अभिक्रिया को ही हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। अमोनिया एक क्षार है, एक दुर्बल क्षार है, लेकिन है तो क्षार। ऑक्सीजन ना अम्ल है ना क्षार है, कुल मिला के ये उदासीनीकरण अभिक्रिया भी नहीं है। तो जो भी ऑप्शन बोल रहा है फोर सही होगा, उसको भी हटाओ, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो, लो करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऐसे निकाल दिया हमने। अब सर बताओ तो सर कैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, कैसे रिडॉक्स रिएक्शन है। देखो दोस्तों, जब अमोनिया की रिएक्शन आप लोगों ने ऑक्सीजन से करवाई, तो ऑक्सीजन ने क्या करा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, हट भाई, खुद आके बैठ गया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ही नहीं है, बिल्कुल है। सर रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, ऐसी रिएक्शन जहां पर आप लोगों का ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, ऑक्सीकरण भी होता है, अपचयन भी होता है, इसको रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। यहां पर देखो प्लीज, अमोनिया से क्या हुआ है, सर हाइड्रोजन हटा है, ऑक्सीजन जुड़ा है। देखो तो जब किसी में हाइड्रोजन हटता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, तो बोलते हैं हम लोग उसका ऑक्सीडेशन हुआ है। तो अमोनिया का हुआ है ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण, जबकि ऑक्सीजन में क्या है, हाइड्रोजन आके जुड़ा है, तभी तो ये बना है। तो जब किसी में हाइड्रोजन जुड़ता है, इस रिएक्शन को बोलते हैं रिडक्शन अपचयन। तो इसका हुआ है रिडक्शन यानी अपचयन। तो ऐसी अभिक्रिया जहां पर ऑक्सीडेशन भी हो रिडक्शन भी, उसको रिडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। तो आप लोग देख पा रहे हो रिडॉक्स भी हो रहा है और आप लोगों का डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। बढ़िया क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों इसका आंसर बताए। बताओ। देखो दोस्तों आप लोगों से क्या बोला जा रहा है, ये हमारी पृथ्वी है, अर्थ है, ठीक है, इसकी रेडियस को हम लोग मान लेते हैं आर, मान लेते हैं, समझ गए। पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर, मतलब पृथ्वी की जो त्रिज्या है ना, इतनी ही ऊंचाई पर इस जगह गुरुत्वाकर्षण का मान कितना होगा। सर इस जगह तो हम लोग जानते हैं, इस जगह तो पता है 9.8 होता है, इस जगह कितना होता है ये निकालना है। और दोस्तों इस जगह कैसे निकालते हैं, सर केंद्र से आर दूरी पर निकालना है ना आपको, इस जगह निकालना है ना, यानी केंद्र से आर दूरी पर निकालना है। तो केंद्र से आर दूरी पर गुरुत्वाकर्षण कैसे निकालते हैं, कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम बट्टे आर स्क्वायर। लेकिन दिक्कत यह है आपको यहां पर नहीं निकालना, आपको निकालना है यहां पर, यानी आर और आर, केंद्र से 2r दूरी पर। तो केंद्र से 2r दूरी पर इस जगह गुरुत्वाकर्षण जी डैश मान लेते हैं, तो कितना हो जाएगा gm बट्टे टोटल कितनी दूरी है, r प्लस r 2r हो गए, इसका स्क्वायर करोगे 4r स्क्वायर हो जाएगा। तो कुल मिला के यहां पर गुरुत्वाकर्षण कितना आया, इस जगह गुरुत्वाकर्षण कितना था gm बट्टे r स्क्वायर, जबकि इस जगह कितना है gm बट्टे r स्क्वायर का 1/4, यानी केवल 25% ही है। तो अर्थ की सरफेस पे जो वैल्यू है उसका केवल 25% ही आ रहा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यार गलती क्यों कर रहे हो भैया, मुझे दिक्कत तो इसमें आ रही है ऑप्शन नंबर डी वाले में, ऐसे बोल रहे हैं सेम होगी जो यहां पर होगी। आपको पता है जब आप लोग ऊंचाई पर जाते हो तो गुरुत्वाकर्षण का मान घटता है, जब गहराई पे जाओगे तब भी गुरुत्वाकर्षण का मान घटता है। तो ऑप्शन डी तो आप लोग ऐसे हटा सकते थे। दोस्तों मजा आ गया, समझ में आ गया, न्यूमेरिकल से डरना नहीं है, करना है। चलिए इसका आंसर बताएंगे। बताओ दोस्तों आप लोगों को पता है धातु जो होते हैं ना वो तो होते हैं चमकदार, और जो अधातु होते हैं ना वो होते हैं डल, वो चमकदार नहीं होते, शाइनी नहीं होते। जैसे मेटल तो बहुत चमकदार होते हैं, सिल्वर को देख लो, गोल्ड को देख लो, एल्यूमिनियम को देख लो, उनमें एक शाइनी शाइन होती है उनमें, जबकि नॉन मेटल में शाइन नहीं होती। लेकिन दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना, एक नॉन मेटल ऐसा है जिसमें शाइन होती है, जिसमें लस्टर होती है, जिसमें चमक होती है, वो कौन सा है दोस्तों, वो आपका नॉन मेटल है आयोडीन। दिखाऊं देखो देखो ऐसा दिखता है, देखो कितनी चमक होती है। और आयोडीन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका एटॉमिक नंबर पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे 53। सर इसका क्यों पूछा जाता है, क्योंकि इकलौता ऐसा अधातु है जो चमकदार होता है, बाकी सारे अधातु डल होते हैं आप लोगों के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, मजा आ जाएगा जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा, इसका मतलब उसकी गणित भी शानदार है,
साइंस भी शानदार है, बताओ। जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा, मैं ये मान रहा हूं उसकी गणित भी शानदार है और उसकी क्या है साइंस भी शानदार, बताओ। बताओ। चलिए, 840 किलोग्राम द्रव्यमान की एक कार है जो वृत्ताकार पथ पे इतने वेग से चलती है। चलिए एक दोस्तों वृत्ताकार पथ मान लेते हैं, ये कोई सर्किल मान लेते हैं, है ना। आपके शहर में बहुत सारे सर्किल होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता आपके शहर में कोई सर्किल नहीं है। क्लियर है क्या? ठीक है ठीक है ठीक है। अब दोस्तों एक कार है, ये कार कितने किलो की है? 840 किलोग्राम के। किस वेग से चल रही है? किस वेग से? 10 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है। ठीक है, जब इधर जाएगी मतलब बिल्कुल वेग एक ही है, चेंज नहीं हो रहा, इधर भी 10 मीटर पर सेकंड। आप चक्कर लगा रहे हो, आप चक्कर लगा रहे हो, जब इधर थी तब भी 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, आप चक्कर लगा रहे हो, ठीक है, जब इधर थी तब भी आपकी कितनी? 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है ठीक है। समझ में आ गई? अब बोला जा रहा कार पर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल बताओ, कौन सा फोर्स पूछा जा रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स पूछा है। सर ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? जब भी कोई वस्तु किसी वृत्तीय पथ पे गति करती है ना, तो उस पे केंद्र की ओर एक फोर्स लगता है, उसे ही हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। जैसे जब गाड़ी इधर होगी तो इधर लगेगा केंद्र की तरफ, जब इधर होगी तो इधर लगेगा। तो सर उस सेंट्रीपिटल फोर्स का मान कैसे निकाले? सिंपल सा फॉर्मूला है, एम वी स्क्वायर बटे आर। तो बताओ उस वस्तु का द्रव्यमान कितना है? कितना है? 840 है। किस वेग से जा रही है? 10 मीटर पर सेकंड के। तो इससे स्क्वायर कर दो 10 × 10। दोस्तों रेडियस कितनी है? सर रेडियस नहीं पता मेरे को, अगर सर मुझे रेडियस पता पड़ जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। रेडियस नहीं पता, कैसे निकाले बताओ? बताओ बताओ क्या बोला जा रहा है? सड़क पर 660 मीटर चलने के बाद में 90 डिग्री घूम जाती है। जैसे मान लो अभी ये है, अभी मान लो ये यहां पर है, तो बोला जा रहा है कि ये जब 650 मीटर चली ना, मतलब कुल मिला के यहां पर आई ना, तो ये 90 डिग्री घूम गई। तो कुल मिला के ये वाला जो मान दे रखा है ना, ये वाला जो मान दे रखा है, ये वाला जो मान दे रखा है, ये वाला मान, ये आपको 660 दे रखा है। तो इससे कहीं ना कहीं त्रिज्या निकाल सकते हो क्या? हाँ सर निकाल सकता हूं, सर निकाल सकता हूं। सर देखो ये पूरा का पूरा है ना, ये होता है 2πr, जबकि केवल ये एक चौथाई है। तो 2πr का एक चौथाई किसके बराबर है? 2πr का एक चौथाई किसके बराबर है बताओ जल्दी से? अरे किसके बराबर है? 660 के बराबर है। तो यहां से रेडियस का मान निकल जाएगा क्या? 660 × 4/2 × 22/7 निकल जाएगा क्या? लो भैया रेडियस का मान आ गया, इधर पुट कर दो, इधर पुट कर दो, सॉल्व कर लो। क्वेश्चन शानदार था या नहीं था बताओ? क्वेश्चन बढ़िया था या नहीं था? कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, सिंपल सी गणित लग रही है, सिंपल सी गणित लग रही है। लो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सर ये तो बहुत खतरनाक कैलकुलेशन है। कुछ भी नहीं है खतरनाक, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। कैसे? एक जीरो से एक जीरो उड़ाओ, 66 कट गया 22 से 3 बार में। ठीक है सर, और बताओ और बताओ। 7 × 4 कितने होते हैं? 28 होते हैं। नहीं 84 को काट दो आप लोग, कितने? ये सर 4 ने काटा 84 को 21 बार में, फिर इस 21 को काटा 7 ने 3 बार में, फिर इस 3 ने इस 3 को काट दिया, इधर 2 बचा, इधर 100 बचा, 2 × 100 = 200 न्यूटन। बताओ बढ़िया क्वेश्चन था ये नहीं था बताओ? क्या प्यारा क्वेश्चन है, सिंपल सा है, सिंपल सी गणित लग रही है, कुछ भी लग रहा, शानदार क्वेश्चन। चले आगे, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप यहां पर सोल्व मत करो, आप तो फाइनली इधर लिया करो आराम से। एग्जाम में डाटा इस प्रकार दिया जाता है कि कटपट हो जाएगा आराम से, देखो कितना आसानी से कटपट हो गया। आप यहां पर रेडियस निकालने मत बैठ जाना, सीधा वहां पर डालो, मजा आ जाएगा। चलिए दे चलिए दोस्तों इसका आंसर बताएंगे, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे।
रोज क्लास ले लो सुबह 10 बजे, साइंस का डर हमेशा के लिए निकल जाएगा। आपको 5 तत्व दिए गए हैं, है ना, आपको टोटल 5 तत्व दिए गए हैं, कौन कौन से, ए बी सी डी ई। चलो मैं लिख लूं इन तत्वों को, कोई दिक्कत तो नहीं है, लिख लो ना सर, क्या दिक्कत आएगी हमको, ए बी सी डी ई। और इन सबके आप लोगों को परमाणु क्रमांक भी दिए गए हैं कि भैया इसका 9 है, इसका 11 है, इसका 17 है, इसका 12 है, इसका 13 है। क्या आप लोग पहचान सकते हो क्या ये तत्व ए कौन सा है? 9 किसका होता है जानते हो क्या आप? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ऑक्सीजन का 8 होता है सर, ये फ्लोरीन है। 11 किसका होता है? सोडियम का होता है। 17 क्लोरीन का होता है। 12 मैग्नीशियम का होता है। 13 एल्यूमिनियम का होता है। तो आपको बोला जा रहा है कौन से तत्व एक ही समूह में आएंगे, एक ही वर्ग में आएंगे। पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल लाइन होती है ना, उसे ही तो ग्रुप बोलते हैं। तो कौन से आप लोगों के 2 तत्व एक ही वर्ग में आएंगे, कैसे निकाले? आपको पता है यहां पर आता है फ्लोरीन, यहां पर आता है क्लोरीन, ये दोनों एक ही ग्रुप में तो आते हैं। तो फ्लोरीन और क्लोरीन, ए और सी, ए और सी एक ही ऑप्शन में। लो यार बच्चों वाला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है ये, क्या गुंडा बनेगा ये, ठीक है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताए, बताओ। आप लोगों को बोला जा रहा है बेरिलियम, इसके ऊपर कुछ चार्ज है क्या, कुछ आवेश है क्या, चाहे प्लस में हो या माइनस में। हाँ, तो जब किसी पे आवेश होता है ना, तो उसको बोलते हैं आयन, तो मैं इसको बोलूंगा बेरिलियम आयन। बोला जा रहा है बेरिलियम आयन किस आयन के साथ, देखो यहां पर भी चारों आयन दिए गए हैं क्योंकि सब पे कुछ ना कुछ आवेश है, देखो सब पे कुछ ना कुछ आवेश है। तो बोला जा रहा है किसके साथ में आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, आइसो का मतलब एक जैसा, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन, यानी इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या इसके इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर है। तो दोस्तों बेरिलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताओ सर? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक होता है 4, यानी उसके परमाणु में देखो बेरिलियम की बात करें, इसका परमाणु क्रमांक क्या है? 4, यानी इसके परमाणु में प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 4 है। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन भी 4। भैया जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन, तभी तो कोई आवेश नहीं है। लेकिन अगर इसने दो, जब ये इलेक्ट्रॉन को त्यागता है ना, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। दोस्तों इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागा है। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। तो अगर मैं आप लोगों को बोलू Be+2 बेरिलियम, इसमें इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आप लोग बोलेंगे सर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, समझ में आ गया, क्लियर है? हाइड्रोजन के पास में होता है 1 इलेक्ट्रॉन, अगर ये उसी को त्याग देगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी इसके पास में टोटल अब 0 इलेक्ट्रॉन रह गए। लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, लिथियम के पास में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा तो 1 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, 1 पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन है। दोस्तों सोडियम के पास में होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा तो 1 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, यानी इसके पास में 10 इलेक्ट्रॉन है। मैग्नीशियम के पास में 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करा तो 10 इलेक्ट्रॉन है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समझ गए? चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरे क्लियर है या नहीं है, आ रहा है ना समझ में, आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बताओ इसका आंसर बताओ। अभी देखो दिमाग के तार खुलेंगे जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे आप, और बच्चों वाला क्वेश्चन है, देखते ही आंसर आना चाहिए, बताओ। दोस्तों आपको 4 इलेक्ट्रिक चार्ज दिए हैं, आवेश दिए हैं सर, वो आवेश कौन कौन से हैं? एक तो ये रहा ए, एक ये रहा आप लोगों का बी, एक ये रहा सी, एक ये रहा डी। सर इन 4 इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं, बोला जा रहा है 4 आवेश है आपके पास में, एक को रखा है ए पे, एक को रखा है बी पर, एक को रखा है सी पर, एक को रखा है डी पर। ए पर जो रखा है वो कितना है? 2 कूलम, ये कितना? 4 कूलम, ये 2 कूलम, ये 4 कूलम, ठीक है। बोला जा रहा है किन आवेशों के बीच में विद्युत बल न्यूनतम होगा। आपको पता है कोई भी 2 आवेश होते हैं ना, अगर वो कोई भी 2 आवेश हो ना, उनके बीच में क्या लगता है? कुछ इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है।
अगर वो दोनों समान प्रकृति के हैं, जैसे दोनों धनात्मक धनात्मक है, ये ऋणात्मक ऋणात्मक है, तो उनके बीच में क्या होगा? रिपल्शन होगा। अगर दोनों आप लोगों के विपरीत प्रकार के हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो क्या होगा? आकर्षण होगा। ठीक है दोस्तों, फोर्स जो लगता है किन्हीं भी दो चार्ज, जैसे मान लो एक चार्ज है क्यू वन, एक है चार्ज क्यू टू, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, उसका फॉर्मूला पता है क्या? बिल्कुल पता है सर, के क्यू वन क्यू टू बट्टे आर स्क्वायर। आर क्या है? दोनों के बीच की दूरी है। तो कुल मिला के इन आवेश का मान जितना ज्यादा होगा, बल उतना ही ज्यादा लगेगा। अगर दोस्तों ये वाला मान ज्यादा हुआ, तो ये वाला मान क्या होगा? कम होगा। तो कुल मिला के आप लोगों से बोला जा रहा है विद्युत बल न्यूनतम होना चाहिए। तो किन दो आवेशों के बीच में न्यूनतम होगा बताओ? जिनके बीच में दूरी ज्यादा हो और आवेश का मान कम हो। तो देखो यहां पर, देखो चार इंटू दो, नहीं सर, दो इंटू चार, अरे इससे भी कोई छोटा मिल रहा है क्या? बिल्कुल सर, दो इंटू दो, ये छोटे मिल रहे हैं। देखो दो छोटे छोटे आवेश है और सर इनके बीच की दूरी भी ज्यादा है, तो यानी ए और सी इनके बीच में क्या होगा? फोर्स न्यूनतम होगा। बताओ दोस्तों, मजा आया नहीं आया? बताओ, बढ़िया क्वेश्चन था, समझ में आ गया? ठीक है, आ गया, बहुत बढ़िया। बस सेशन को लाइक नहीं करते, ऐसे कंजूस बने। अरे दिल खोल के करो यार लाइक और शेयर यार, जैसे दिल खोल के मैं आप लोगों को बढ़िया क्वेश्चन करा रहा हूं। चलो चलिए इसका आंसर बताएंगे। एथाइन का आप लोगों को स्ट्रक्चर बताना है, बताओ। देखो एथाइन क्या है? एक आईयूपीएसी नेम है। अब देखो एथ का मतलब क्या होता है? दो कार्बन। मैथ का मतलब होता है एक कार्बन, एथ का मतलब होता है दो कार्बन। क्या इसमें दो कार्बन है क्या? बिल्कुल इसमें दो कार्बन है क्या? बिल्कुल इसमें सब में दो कार्बन है। दोस्तों आयन कब लगाते हो? जब ट्रिपल बॉन्ड होता है ना कार्बन कार्बन के बीच में, तब आप लोग आयन लगाते हो। जब डबल बॉन्ड होता है तब आप लोग एन लगाते हो। जब सिंगल बॉन्ड होता है तो एन लगाते हो। तो आयन लगा हुआ इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, इसको हटा दो, सिंगल बॉन्ड है इसको भी हटा दो। अब बात आती है सर ये वाला सही होगा या ये वाला सही होगा? देखो दोस्तों कार्बन की वैलेंसी होती है चार, ठीक है? तो यहां पर देखो इस कार्बन से तीन इधर जोड़ दिए, एक इधर जोड़ दिया, इधर कार्बन से तीन इधर जोड़ दिए, एक इधर जोड़ दिया। कार्बन की चार सेटिस्फाइड कर गए, हाइड्रोजन की हो गई एक, हाइड्रोजन से एक जुड़ा होता है हाइड्रोजन से, ये सही स्ट्रक्चर है। यहां पर आप लोग देखो, देखो कार्बन से कितनी चीजें जोड़ दी आपने, तीन तो इधर जोड़ रखा था और इसे तीन हाइड्रोजन जोड़ दिए, एक दो तीन, तो यार इसकी वैलेंसी आपने देखो कितनी ज्यादा बना दी है। ऐसा नहीं हो सकता ना, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है चले आगे, चले आ जाओ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन है, आंसर बताइए इसका, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा अगर आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले। दोस्तों एक तरफ आप लोगों को मैग्निफिकेशन दिया गया है, आवर्धन दिया गया है। आपको पता है ना मैग्निफिकेशन होता क्या है सर? क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज या प्रतिबिंब का आकार बट्टे वस्तु का आकार। अगर इमेज बड़ी बन रही है तो मैग्निफिकेशन का मान एक से ज्यादा आएगा। अगर मैग्निफिकेशन का मान एक आ रहा है, इसका मतलब वस्तु जितनी बड़ी थी उतनी ही बड़ी इमेज बनी है। अगर मैग्निफिकेशन का मान एक से कम आ रहा है, यानी वस्तु बड़ी थी इमेज छोटी बनी है। ठीक है बताओ। और दोस्तों एक चीज और बता दूं क्या? देखो ये वाला, ये तो मान हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि यार कोई भी दर्पण होगा उसके सामने वस्तु को सीधा ही तो रखोगे। आप सुबह वॉशरूम में जाते हो सीधे ही तो खड़े होते हो, ऐसे थोड़ी सिर नीचे पैर ऊपर करते हो, नहीं ना। तो वस्तु तो हमेशा सीधी रहेगी। तो अगर जो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर अगर कोई दूरी को नापते हो तो प्लस होता है वो। तो कुल मिला के हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा प्लस होगा। अगर इमेज उल्टी बन रही है तो हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव होगा, अगर इमेज सीधी बन रही है तो हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्लियर है क्या? बताओ अब क्या करें दोस्तों? मुझे एक चीज बताओ, कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है? हमेशा, अरे हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है? हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो इसके लिए मैग्निफिकेशन का मान क्या होगा? एक से ज्यादा होगा, एक के बराबर होगा, एक से कम होगा? सर एक से कम होगा। ठीक है, और दोस्तों हमेशा कैसा बनाता है? हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है, और आभासी प्रतिबिंब होती है हमेशा सीधी, सीधी यानी हाइट ऑफ इमेज का मान पॉजिटिव होगा।
तो कुल मिलाकर कॉन्वेक्स मिरर के लिए मैग्निफिकेशन का मान क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव आएगा और हमेशा एक से कम आएगा। ठीक है दोस्तों, इस वाले को जोड़ दूं क्या इससे? इस वाले को जोड़ दूं क्या इससे? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर मैं फोर्थ को ए से जोड़ दूं, इसने फोर्थ को पता नहीं किससे जोड़ रखा है, बी और सी से, हटाओ इसको। इसने फोर्थ को सी एंड डी, हटाओ इसको। इसने फोर्थ को ए से जोड़ रखा है, इसने भी जोड़ रखा है। फोर्थ को बोल रहा है ए एंड डी, ये भी बोल रहा है फोर्थ को ए एंड डी। चलो अब एक काम कर लेते, कोई सा भी एक चेक कर लो। अब देखो दोस्तों, मुझे एक चीज बताओ, एक छोटी सी बात, कॉनकेव मिरर कैसा प्रतिबिंब बनाता है? सर छोटा भी बनाता है, बड़ा भी बनाता है, समान आकार का भी बनाता है, उल्टा भी बनाता है, सीधा भी बनाता है। तो इसके मैग्निफिकेशन का मान एक से कम भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, एक के बराबर भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। बताओ क्लियर है क्या? ठीक है दोस्तों, रियल इमेज हमेशा होती है उल्टी, इन्वर्टेड, और इन्वर्टेड में मैग्निफिकेशन का मान क्या होगा? नेगेटिव आएगा। वर्चुअल इमेज होती है हमेशा सीधी, तो मैग्निफिकेशन का मान हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है अब बताओ, वन को सी से कनेक्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं। वन को डी से कनेक्ट कर सकते हैं क्या? वन को क्या डी से कनेक्ट कर सकते हो क्या? नहीं। वर्चुअल इमेज में मैग्निफिकेशन का मान हमेशा पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। ये बोल रहा है वन को डी से कनेक्ट कर दो, इसको हटाओ। एक ऑप्शन लो, ये सही हो गया, सी हो गया। कितना बढ़िया क्वेश्चन था, बताओ दिमाग के तार खुल रहे हैं नहीं खुल रहे? खुल रहे हैं। चलिए इसका आंसर बताए दोस्तों, इस बार ग्रुप डी में कम से कम 9 से 10 क्वेश्चन आए हैं इस पे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, गर्भ निरोधक जो विधियां होती है ना, प्रेगनेंसी से बचने के लिए अलग अलग उपचार होते हैं, कॉन्डोम के यूज होते हैं, है ना। और भी आपको पता है, बहुत सारी फीमेल होती है वो अपनी बॉडी में कॉपर टी लगवा लेती है, वो भी एक प्रकार से प्रेगनेंसी से बचने का इलाज है। तो बहुत कुछ महिला होती है जो गोलियां लेती है प्रेगनेंसी से बचने के लिए, तो ये सारे प्रेगनेंसी से बचने के अलग अलग उपाय हैं। तो आप लोगों को यहां पर कुछ उपाय दिए गए हैं क्या? एक दिया गया है पिल यानी गोली, तो आपको बताना है गोली करता क्या है, आपको बताना है कॉन्डोम क्या करता है, आपको ये बताना है कॉपर टी क्या करता है, आपको बताना है वैसेक्टोमी क्या करता है। बताओ चलो दोस्तों, वैसेक्टोमी में पहले वैसेक्टोमी की बात करते हैं। ये किसको बोलते हैं? पुरुष नसबंदी को बोलते हैं, पुरुष नसबंदी को बोलते हैं। ठीक है, यानी अब जो मेल है वो बच्चा कर ही नहीं पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? देखो समझिए, मैंने डायग्राम लगाया क्या? देखने दो, नहीं लगाया, चलो इधर बनाता हूं मैं। देखो पुरुषों में क्या होती है, दो टेस्टिकल मिलते हैं, वृषण मिलते हैं, इन्हीं में स्पर्म का निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। यहां से दोस्तों एक नली होती है, ठीक है, जो कि क्या करती है, ये जो लिंग से जो वीर्य निकलता है ना, सीमेन निकलता है, वीर्य निकलता है, उसमें जाके ये स्पर्म मिल जाते हैं। लेकिन दोस्तों जिस व्यक्ति ने अपनी नसबंदी करवा ली, उसमें ये नलिका काट दी जाती है, यानी स्पर्म क्या सीमेन वीर्य में जाके मिलेंगे क्या? तो दोस्तों अगर ड्यूरिंग सेक्स सीमेन अगर फीमेल बॉडी में चल भी जाता है, तो उसमें स्पर्म है ही नहीं, बिना स्पर्म के बच्चा कैसे होगा? ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं ये बोल सकते हैं जो पुरुष नसबंदी है उसमें क्या होता है, इसमें वीर्य में शुक्राणु होते ही नहीं है। तो सी आपका 4 से कनेक्ट होगा, सी को इसने 2 से कनेक्ट कर रखा है, हटाओ। इसने सी को 4 से कनेक्ट कर रखा है, ये हो सकता है, इसने हटा लो यार। बताओ और कुछ करने की जरूरत है क्या? अरे और कुछ करने की जरूरत है क्या? लेकिन सर बताओ दोस्तों, कॉन्डोम का क्या यूज है? ऑब्वियसली बात है दोस्तों, ड्यूरिंग सेक्स अगर होगा क्या, सीमेन अंदर जाएगा, वीर्य अंदर जाएगा ना, और इसमें जो स्पर्म है वो अंदर चल जाएंगे। लेकिन कॉन्डोम अंदर जाने से रोक रहा है, यहां पर अंदर जाने से रोक रहा है, तो सिंपली क्या कर रहा है कॉन्डोम, क्या कर रहा है? प्रिवेंट स्पर्म रीचिंग सर्विक्स, इस सर्विक्स में जाने से रोक रहा है, क्योंकि अगर इसमें चला गया फिर आगे भी चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, कॉपर टी क्या करता है? चलो पिल क्या करती है? पिल गोली दोस्तों, गोली क्या करती है? गोली में एक हार्मोन होता है, इस हार्मोन का नाम है प्रोजेस्टिन हार्मोन। ये क्या करता है?
एग को, जैसे होता क्या है, ओवरी से एग बनता है, एग जाता है इसमें, और एग और स्पर्म मिलेंगे तभी तो बच्चा होगा, तो ये ओव्यूलेशन को रोकता है, एग को बनने ही नहीं देता। तो अगर एग बनेगा ही नहीं तो बच्चा कैसे होगा, तो ये क्या करता है, ओव्यूलेशन को रोकता है। ठीक है, कौन कौन रोकता है, द पिल ओव्यूलेशन को रोकता है। तो ए होगा आपका, थ्री से कनेक्ट होगा, ए आप लोगों का थ्री से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं डी, कॉपर टी क्या करता है। देखो समझो मेरी बात को, एक्चुअली में कॉपर टी एक डिवाइस होती है, एक आईयूडी डिवाइस है। आईयूडी का मतलब क्या है, इंट्रा यूटेरिन डिवाइस है, ये यूटेरस के अंदर लगती है। तो एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पर कॉपर टी लगी होती है ना, ये क्या करती है, कॉपर को रिलीज करती है। कॉपर क्या करता है, जो स्पर्म अंदर आता है ना, उसकी मोर्टेलिटी को, उसकी स्पीड को कम कर देता है, उसको मार देता है, उसकी शक्ति को खत्म कर देता है। तो अगर दोस्तों वो शक्ति खत्म हो जाएगी तो कुल मिला के जो एग होगा वो एग में घुस नहीं जाएगा, एग में घुसेगा नहीं। अगर घुसता तो एग और स्पर्म मिलते, फिर इधर आके वो इम्प्लांट हो जाता आप लोगों का जायगोट, तो होगा नहीं ये। ठीक है, समझ गए, बढ़िया क्वेश्चन था ये नहीं था, चले आगे। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतने रखते हैं, आज शाम को 4 बजे जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसके बहुत ही शानदार प्रश्न मैं आप लोगों को करवाऊंगा, आपका डर हमेशा के लिए निकल जाएगा, कभी वापस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक क्वेश्चन पक्का आता है प्रोजेक्टाइल मोशन का। समझ में आ गया, आज शाम को 4 बजे रेडी रहना। दोस्तों साइंस का कंप्लीट कोर्स चल रहा है आप लोगों को पता है, बिल्कुल जुड़ जाइए बिना किसी उसके शिद्दत से, पढ़ाई में लग जाओ दोस्तों, कोई नहीं रोक सकता सिलेक्शन से। शानदार कंप्लीट थ्योरी बैच है, साथ में आप लोगों को इसमें टेस्ट सीरीज भी फ्री मिल रही है। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में कल इंजन ड्राइंग शुरू हो गया, जिन भी बच्चों ने पढ़ी थी दोस्तों, क्या इंजन ड्राइंग का डर निकल गया क्या, फालतू में डरते थे इंजन ड्राइंग पता नहीं क्या होगी। ठीक है, तो कल स्टार्ट हो गया इंजन ड्राइंग, तो ध्यान रखेंगे आप लोग, जुड़ जाइए इंजन ड्राइंग को, आप लोग बिल्कुल लाइव पढ़िए। ज्वाइन कैसे करना है, प्ले स्टोर पर जाइए, साइंस मैग्नेट ऐप इंस्टॉल करिए, इसके कोर्स वाले सेक्शन में आपको दोनों कोर्स मिल जाएंगे, बाय नाउ आप लोग कर लीजिए। कोई भी दिक्कत आ रही है 7374019437 पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर ले। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।